यूपी के हरदोई में 13 माह की मासूम से रेप और हत्या में आरोपी को कोर्ट से फांसी की सजा मुकर्रर हुई है। 6 वर्ष पूर्व जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र में 13 माह की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में सजा सुनाई गई। ये फैसला अपर जिला सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्र विजय ने सुनाया। उक्त मुकदमे में आरोपी गुड्डू उर्फ बब्बू को फांसी की सजा सुनाई गई है। यूपी सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद हरदोई के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामचंद्र राजपूत द्वारा चिन्हित मुकदमों में एक मुकदमे में 1.5 वर्षीय बालिका का सरेशम अपहरण कर दुष्कर्म करने के पश्चात हत्या करने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा अर्थदंड अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 14 श्री चंद्र विजय द्वारा सुनाई गई। उक्त मुकदमे में अभियोजन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह द्वारा की गई। आशीष सिंह की रिपोर्ट। सर, आप आरोपी पक्ष के तरफ से वकील हैं, फैसला दिया है मृत्युदंड का, किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को लेते हैं और क्या इस फैसले के खिलाफ आगे जाएंगे? फैसला तो साक्ष्य के आधार पर हुआ है। हमने भी बहुत प्रयास किया अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो गया। था मुलजिम गुड्डू कप्पू, इसके विरुद्ध 1.5 वर्षीय बच्ची को अपहरण कर उसका दुराचार करके उसकी हत्या कर उसकी लाश को छुपाने का आरोप था, जिसके बाद अभियोजन ने साक्षियों को बुलाकर अपने केस को प्रभावी तरीके से संदेह से रहित साबित करके अभियुक्त को मैक्सिमम दंड जो होता है हमारे आईपीसी में, उसको जो है फांसी की सजा से दंडित कराया है। माननीय न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है और हम सब इसकी सराहना करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा था, उसी में जिला शासकीय अधिवक्ता श्री रामचंद्र राजपूत द्वारा इस मुकदमे को चिन्हित किया गया था और मुझे निर्देशित किया गया था कि उप मुकदमे में प्रभावी पैरवी। एक मुकदमा राज बनाम गुड्डू गब्बू थाना कोतवाली देहात का लगा था, उसमें 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ जो है रेप विद मर्डर, रेप करने के बाद उसकी हत्या करके लाश गायब कर दी गई थी। उस मुकदमे में तमाम साक्षियों को एकत्रित करने के बाद आज वो निर्णय में लगा था। उस मुकदमे को हमने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत चिन्हित किया था, अपने ADGC को भी निर्देशित किया था कि उसमें प्रभावी पैरवी करें। उसी के तहत उन्होंने प्रभावी पैरवी की और हमारे ADGC के तमाम जो पीस पेश किए गए साक्षियों को जज साहब ने लिया और उसके अंतर्गत उनको मुंजिम को आज मृत्युदंड से दंडित किया। जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारी हरदोई की जो हमारी प्रोसिक्यूशन टीम है, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे ADGC क्रिमिनल और उनके साथ ADGC चंदन, इन्होंने एक बहुत बेहतरीन कार्य किया है अपनी लीडरशिप में। एक अभियुक्त जो पिछले 6 साल से जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, जिसमें 1.5 वर्षीय बच्ची की उसने बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी, उसको सख्त पैरवी और एक प्रभावी पैरवी, जिसके लिए शासन और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए उसी क्रम में इन लोगों ने, इस पूरी टीम ने एक बहुत अच्छी पैरवी का उदाहरण दिया है और ऐसे अभियुक्त को जिसने जघन्य अपराध किया है उसको मृत्यु दंड से उसको दोषी पाते हुए उसको सजा दी गई है, जिसके लिए मैं पूरी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम को, विशेषकर हमारे ADGC क्रिमिनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे भी हम लोग सब आशा करते हैं कि इसी प्रकार से जो महिला संबंधी अपराध में जो अभियुक्त है उनके खिलाफ इस प्रकार की कड़ी और सख्त पैरवी उनकी पूरी टीम द्वारा जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।